हेलो स्टूडेंट, हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं एल्किल ग्रुप। हम इसमें जिसे एल्किल ग्रुप में दो क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन फर्स्ट और क्लासिफिकेशन सेकंड। इसमें एल्किल ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन है इसमें हम वन पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें क्लासिफिकेशन एल्किल ग्रुप का सेकंड वाला होगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एल्किल ग्रुप होते क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एल्किल ग्रुप हमारा पहचान कैसे होगा। एल्किल ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय आर थ्री वैलेंसी। ये क्या होंगे? थ्री वैलेंसी। आर कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें सी एच थ्री थ्री वैलेंसी, कुछ भी हो सकते हैं। सी टू एच फाइव भी हो सकते हैं, सी थ्री एच सेवन हो सकते हैं, सी फोर एच नाइन भी हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं। इसका जनरल फार्मूला अगर हम देखें सी एन एच टू एन प्लस वन थ्री वैलेंसी। इसको फार्मूला को हम कैसे अप्लाई करते हैं इसको हम बताते हैं। ये क्या होगा हमारा थ्री वैलेंसी कार्बन। कैसे अप्लाई करते हैं फार्मूले को हम यहाँ पर दिखाते हैं। यदि एन इक्वल टू वन हो गया, क्या पर रखेंगे? यहाँ पर वन रखेंगे, फिर यहाँ पर वन रखेंगे, सी वन हो जाएगा, फिर एच टू क्या हमारा निकल जाएगा, सी एच थ्री निगेटिव। इसे हम क्या कहेंगे? थ्री वैलेंसी। इसे हम क्या कहेंगे? मेथिल। यदि एन इक्वल टू हम दो रखें, यहाँ पर हम दो रखेंगे सी टू क्या हो जाएगा, सी टू एच फाइव थ्री वन। इसे क्या कहेंगे? एथिल। यदि हम एन इक्वल टू हम थ्री रखें, ऐसे सो वन ऐसे हमारा निकलता चला जाएगा। अगर एन इक्वल टू हम थ्री रखते हैं, एन इक्वल फोर रखते हैं, एन इक्वल टू फाइव रखते हैं, ये एन इक्वल टू थ्री रखेंगे तो क्या निकल आएगा, सी थ्री एच सेवन थ्री वैलेंसी हो जाएगा। अगर एन इक्वल टू फोर रखते हैं तो सी फोर एच नाइन थ्री वैलेंसी हो जाएगा। यदि एन इक्वल टू फाइव रखते हैं क्या हो जाएगा, सी फाइव एच एलेवन थ्री वैलेंसी हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा? तीन कार्बन को क्या कहेंगे? प्रोपिल। फोर कार्बन को क्या कहेंगे? ब्यूटिल। फाइव कार्बन को क्या कहेंगे? पेंटिल। सो वन ऐसे होता है और चला जाएगा। अब हम देखते हैं एल्किल ग्रुप का क्लासिफिकेशन। नंबर वन, देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल ग्रुप। ये थ्री टाइप होते हैं। प्राइमरी एल्किल ग्रुप, प्राइमरी एल्किल ग्रुप, और दूसरा हमारा हो जाएगा सेकेंडरी एल्किल ग्रुप।
को रिप्रेजेंट किया था इतना। तीसरा हो जाएगा हमारा टर्शियरी एल्गी ग्रुप। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि प्राइमरी एल्गिल ग्रुप क्या होंगे, सेकेंडरी एल्गिल ग्रुप क्या होंगे, फिर टर्शियरी एल्गिल ग्रुप। प्राइमरी एल्गिल ग्रुप कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा प्राइमरी एल्गिल ग्रुप होते कौन कौन होते हैं? प्राइमरी एल्गिल उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह 1 डिग्री। कैसे पहचाने कि हमारा प्राइमरी एल्गिल ग्रुप कौन होते हैं? बहुत सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर CH2 कहीं लिखा मिले और एक फ्री बना उसके साथ क्या लिखा हो, एक R ग्रुप लगा। यदि हमारा इतना ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम जान जाएंगे कि वो क्या है, प्राइमरी एल्गिल ग्रुप। इसको लैंग्वेज फॉर्म कैसे लिखेंगे? फ्री वैलेंसी, ये क्या है हमारा फ्री वैलेंसी या कार्बन, फ्री वैलेंसी ऑफ कार्बन। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, प्राइमरी एल्गिल ग्रुप को फ्री वैलेंसी कहाँ पर होना चाहिए, एट प्राइमरी डिग्री कार्बन। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि प्राइमरी कार्बन क्या होंगे, सेकेंडरी कार्बन क्या होते हैं, टर्शियरी कार्बन क्या होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार्बन है, वहां से कोई एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, देखिए इस कार्बन को क्या कहेंगे हम, प्राइमरी डिग्री ऑफ कार्बन। देखिए इस कार्बन से अगर डायरेक्टली कोई एक कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डिग्री ऑफ कार्बन। इसी के प्रकार यहाँ पर हम देखें CH2 है, यहाँ से डायरेक्ट एक R ग्रुप जुड़ा है। R हम बताएंगे आपको, R मतलब कुछ भी हो सकता है, C3H7 हो सकता है, या मतलब कहते हैं CH3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं एल्गिल ग्रुप। देखिए अगर एक कार्बन से यदि डायरेक्टली एक कार्बन और जुड़ा है, इस कार्बन के क्या कहेंगे हम, प्राइमरी डिग्री ऑफ कार्बन। देखो ये फ्री वैलेंसी हो गया हमारा, फ्री वैलेंसी एट प्राइमरी डिग्री ऑफ कार्बन। अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इंडेड विद CH2 फ्री वैलेंसी। इतना मस्ट भी होना चाहिए, अगर हमें प्राइमरी एल्गिल ग्रुप पढ़ना है तो इतना ग्रुप मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे CH2 ग्रुप जरूर जुड़ा होना चाहिए। देखिए CH2 ग्रुप जुड़ा है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, कैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं। यही हमारा लिखा है आर CH2 फ्री वैलेंसी। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें, सिंपल कुछ नहीं करना है, आर को आप चेंज कर दीजिए, कुछ भी करना हो आप सबसे पहले CH2 लिख लीजिए, आर लगा दीजिए, CH3 हम लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, मेथ और यथ, क्या लिखा है, प्राइमरी मेथ और यथ हो जाएगा एथिल। और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल कुछ नहीं करना है आपको, अगर प्राइमरी लिखना है एल्गिल ग्रुप, आर लगा CH2 माइनस थ्री वैलेंसी लगा दीजिए, यहाँ पर इस बार हम C2H5 लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या लिखा है, प्राइमरी, इसको हम लिख देते हैं प्राइमरी, और इसके बाद तीन कार्बन कंपाउंड को क्या कहेंगे, मेथ ये प्रोप हो जाएगा हमारा प्रोपिल, प्राइमरी प्रोपिल, कितना सहला है। अब हम देखने जा रहे हैं सेकेंडरी एल्गिल क्या होते हैं, सेकेंडरी के बाद हम देखेंगे टर्शियरी एल्गिल क्या होंगे।
हो जाएगा हमारा सेकेंडरी एल्किल ग्रुप। सेकेंडरी एल्किल ग्रुप हमें बहुत सिंपल तरीके है, कुछ नहीं करना है। अगर हमें सेकेंडरी एल्किल ग्रुप पहचानना है तो आप कुछ नहीं करिए, आप यहाँ पर क्या करिए सी एच लगा दीजिए, एक फ्री बैलेंसी कर दीजिए और दो आप आर जोड़ दीजिए बस। यदि आपको इतना कंपाउंड कहीं मिले, देखिए इतना कंपाउंड अगर सी एच फ्री बैलेंसी, सी एच फ्री बैलेंसी आपको मिले तो हम जान जाएंगे क्या होगा हमारा सेकेंडरी एल्किल ग्रुप। कैसे इसको लैंग्वेज फॉर्म लिखेंगे, ये क्या है हमारा सेकेंडरी डिग्री ऑफ कार्बन, ये क्या है फ्री बैलेंसी, फ्री बैलेंसी एट ये सेकेंडरी डिग्री ऑफ कार्बन, सेकेंडरी डिग्री ऑफ कार्बन होना चाहिए। कैसे इसको हम बताते हैं एक बार और, पिछले वाले वीडियो हमने आपको बताया था कि सेकेंडरी कार्बन क्या होते हैं, वही सेकेंडरी कार्बन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। जैसे एक कार्बन है उससे दो कार्बन और डायरेक्टली जोड़ दीजिए, देखिए इस कार्बन को क्या कहेंगे हम सेकेंडरी डिग्री ऑफ कार्बन, बस यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए बस बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगा देंगे, इस कार्बन को क्या कहेंगे हम सेकेंडरी डिग्री ऑफ कार्बन। देखिए इस कार्बन से डायरेक्टली दो कार्बन और जुड़े हैं इसलिए इस कार्बन को क्या कहेंगे सेकेंडरी डिग्री ऑफ कार्बन। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए सी एच फ्री बैलेंसी लिखा है, अगर सी एच से दो आर ग्रुप और हम जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी एल्किल ग्रुप। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे हमने यही लिखा था आर सी एच फ्री बैलेंसी आर, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें कुछ नहीं, अगर हमें सेकेंडरी लिखना है तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे सी एच लिख देंगे, फ्री बैलेंसी लगा दीजिए, एक सी एच थ्री यहाँ पर लगा दीजिए, एक सी एच थ्री यहाँ पर लगा दीजिए, कितना सिंपल। अगर हमें इसका नाम लिखना पड़े कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी, हो जाएगा सेकेंडरी लिख लीजिए और तीन कार्बन का हो जाएगा सी थ्री या सेवन, इसका क्या हो जाएगा प्रोपिल, तो वन टू थ्री हो जाएगा प्रोपिल सेकेंडरी। ये हमारा दिखा रहा है सी एच थ्री बैलेंसी सेकेंडरी हो जाएगा, वन टू थ्री हो जाएगा सी थ्री एस सेवन थ्री बैलेंसी प्रोपिल हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपिल। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक और सी एच लगा दीजिए यहाँ पर, इस बार हम लगा देते हैं सी टू एच फाइव लगा देंगे और एक हम लगा देंगे सी एच थ्री। ये हमारा क्या बताएगा इतना सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी टू थ्री फोर हो जाएगा सी फोर एच नाइन, इसका क्या हो जाएगा ब्यूटिल हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल हो गया। यदि आपको बस सेकेंडरी अगर पहचानना है तो सी एच मस्ट बी प्रेजेंट, सी एच फ्री बैलेंसिंग हो जाएगा, सी एच को क्या कहेंगे हो जाएगा सेकेंडरी, और चार कार्बन कंपाउंड लिखा है इसलिए हो जाएगा ब्यूटिल, तो सेकेंडरी ब्यूटिल हो गया। अब हम देखते हैं टर्शियरी एल्किल ग्रुप कौन होते हैं, देखते हैं टर्शियरी एल्किल ग्रुप। टर्शियरी एल्किल ग्रुप बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसमें भी आप एक कार्बन ले लीजिए यहां पर फ्री बैलेंसी कर दीजिए, फ्री बैलेंसी आप कार्बन हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए एक आर ग्रुप यहाँ पर और लगा दीजिए, एक आर ग्रुप यहाँ पर और लगा दीजिए, यहाँ पर आर ग्रुप और लगा दीजिए, कार्बन भी बैलेंस हो गया पूर्ण रूप से। यदि इतना कंपाउंड प्रेजेंट है, कार्बन हो उसके साथ एक फ्री बैलेंसी हो और तीन आर ग्रुप और जुड़े हों, हम जान जाएंगे हमारा टर्शियरी एल्किल ग्रुप है। इसको लैंग्वेज फॉर्म कैसे लिखेंगे, फ्री बैलेंसी एट टर्शियरी डिग्री ऑफ कार्बन, हमने यही कहा था कि अगर एक कार्बन से तीन कार्बन और जोड़ देते हैं डायरेक्टली तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे
टर्शियरी डिग्री ऑफ कार्बन, देखिए अगर ये कार्बन से डायरेक्टली तीन कार्बन और जुड़ गया है, इस कार्बन को हम सेंट्रल वाले कार्बन कहेंगे टर्शियरी डिग्री ऑफ कार्बन। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक कार्बन से तीन आर ग्रुप और जुड़े हैं, इसलिए इस कार्बन को हम क्या कहेंगे टर्शियरी डिग्री ऑफ कार्बन। इसको कैसे हम लिखेंगे लैंग्वेज फॉर्म में, थ्री वैलेंसी एट टर्शियरी डिग्री कार्बन। इसके बाद हो जाएगा एंडेड विथ कार्बन ऑलवेज। सदैव कार्बन जुड़ा होना चाहिए। ये भी हमारा थ्री वैलेंसी हो गया, थ्री वैलेंसी पे क्या होगा टर्शियरी डिग्री या कार्बन हो गया, क्योंकि एक आर ग्रुप और एक आर ग्रुप फिर कार्बन, तीन आर ग्रुप जुड़े, इसलिए इस कार्बन को क्या कहेंगे हम टर्शियरी डिग्री ऑफ कार्बन और इंडेड विथ कार्बन ऑलवेज। देखिए पूरा मतलब सिर्फ ओनली कार्बन जुड़ा है और इंडेड विथ कार्बन ऑलवेज। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें यही हमारा लिखा है, अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें हमें टर्शियरी डिग्री ऑफ एल्किल ग्रुप लिखना है, कुछ नहीं करना है, एक आप कार्बन लिख लीजिए, एक सी एस थ्री यहाँ पर लगा दीजिए, एक सी एस थ्री आप यहाँ पर लगा देंगे और एक सी एस थ्री आप यहाँ पर लगा देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे टर्शियरी लिखेंगे, हो जाएगा हमारा टर्शियरी, ये वाला हमारा कंपाउंड टर्शियरी रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, तो हो जाएगा हमारा टर्शियरी वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन हो जाएगा सी फोर एच नाइन, इसको क्या कहेंगे ब्यूटिल कहेंगे, इसलिए होएगा टर्शियरी ब्यूटिल हो जाएगा। दूसरा अगर एग्जाम्पल और हम देखें, कुछ नहीं करना है, एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं, जैसे कार्बन है यहाँ पर, इस बार हम सी टू एच फाइव लगा देंगे, यहाँ पर क्या होगा एक सी एस थ्री लगा देंगे, यहाँ पर क्या होगा एक सी एस थ्री लगा देंगे, कुछ नहीं करना, आप इसको टर्शियरी लिख लीजिए, इतना कंपाउंड हमारा टर्शियरी रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्शियरी हो जाएगा टू प्लस वन प्लस वन प्लस वन टू दो एक तीन एक चार और एक पाँच हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाँच कार्बन कंपाउंड सी फाइव एच इलेवन, उसे क्या कहेंगे पेंटिल कहेंगे, इसे हो जाएगा पेंटिल। कितना सिंपल है, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन नंबर टू।